सुरेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। आज हम आपके लिए बहुत ही यम्मी रेसिपी लेके आए हैं, मलाई चीनी का सैंडविच विद चेरी। बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है चेरी, बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कुछ डिफरेंट आज आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मलाई चीनी का सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 स्लाइस ब्रेड की ली है, बड़े साइज की ब्रेड है। 1 कटोरी मैंने फ्रेश मलाई ली है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ली है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे चेरी ली है। कलरफुल चेरी है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रूट्स की स्लाइस भी ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बाउल में मलाई निकाल लूंगी और इसमें चीनी मिक्स कर दूंगी। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग मीठा लिया है, आप जैसा ज्यादा मीठा पसंद करें, जैसा भी पसंद करें, आप उस हिसाब से मीठा यूज में ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मलाई और चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चीनी के दाने इसमें भी रह गए हैं। जब हम इसको सेकेंगे तब चीनी मेल्ट हो जाएगी। आइए अब हम स्लाइस तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस पर हम मलाई चीनी लगा लेंगे। अब मैं इसमें फ्रूट चेरी लगा दूंगी। फ्रेंड्स, ज्यादा किनारों पे हमें फ्रूट चेरी नहीं लगानी है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगी। और दूसरी स्लाइस से इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कवर करके दबा दिया है। इसी तरह से हम दूसरे सैंडविच को भी तैयार कर लेंगे। मलाई लगा लेंगे, सेकंड स्लाइस भी हमने तैयार कर ली है, इस पे भी हम अच्छे से चेरी लगा देंगे। यहाँ मैंने चेरी फ्रेंड्स इसलिए यूज में ली है क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं चेरी। स्लाइस से कवर कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि जो भी पीस निकलने होंगे चेरी के वो अभी निकल जाएंगे, सेकते समय नहीं निकलेंगे। अब हम इसको तवे पे या पैन में सेक लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और इसपे मैं सबसे पहले घी लगा दूंगी। मैंने यहाँ बटर यूज में नहीं लिया है क्योंकि फ्रेंड्स मलाई चीनी का सैंडविच है और बटर में हल्का नमक का टेस्ट आता है। इसको हम सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी मैं घी लगा दूंगी। साइड चेंज कर देंगे। अगर आप चाहें तो टोस्टर में भी सेक सकते हैं या सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मलाई चीनी का सैंडविच रेडी हो रहा है। थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए हम इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है सैंडविच। इसको अब मैं तवे से हटा लूंगी और दूसरा सैंडविच भी बिल्कुल इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा सैंडविच भी बिल्कुल रेडी है। आइए सर्व करते हैं। आप जैसा चाहें उस शेप में इसको कट कर लें। फ्रेंड्स, मलाई चीनी के सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब आप बच्चों को जब छोटी मोटी भूख हो, कुछ खाने की इच्छा हो, तब तुरंत मलाई चीनी का सैंडविच बना करके खिला सकते हैं और ये वाकई में बहुत ही यम्मी लगते हैं।
प्लीज ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।